नमस्कार, मैं हूं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा जजपा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशे और महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। इसलिए आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, ग्रामीण और शहरी समेत हर वर्ग आंदोलनरत है। ये कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने RBI और NSO की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्योंकि प्रदेश में निवेश और रोजगार निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। सारी सीमाओं को लांघते हुए कर्ज 4.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, फिर भी विकास कार्य पूरी तरह ठप है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार की ओर से एक के बाद एक घोटालों को अंजाम देकर हरियाणा की जनता को लूटा जा रहा है। मौजूदा सरकार में शराब, धान खरीद, रजिस्ट्री, मेडिकल सामान खरीद, अमृत योजना, भर्ती पेपर लीक और खनन समेत हजारों करोड़ के अनगिनत घोटाले हो चुके हैं। घोटालों को लेकर खुद सरकार की ओर से बनाई गई जांच कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हरियाणा अपराध में इस कदर बेकाबू है कि पानीपत में कई घंटे तक महिलाओं के साथ दरिंदगी होती रही। गैंगरेप और हत्या जैसी वारदात के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बेरोजगारी से हताश और परेशान युवा नशे और अपराध की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। युवा शक्ति को दिशा देने की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और क्या कुछ बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप खुद ही सुन लीजिए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओल्याण की रिपोर्ट। एक RBI की और एक वैसे इकोनॉमी जो है तो उसमें तो हरियाणा जो है वो जो है इकोनॉमिकली वर्स डिक्लेयर हो रहा है। सिर्फ हमारे से ऊपर पंजाब और एक आज स्टेट है तो इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे संकट की ओर जा रहा है, क्योंकि ये सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है और कोई उसका काम आगे नहीं। किस लिए कर्जा ले रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रदेश में कर्जा थोप दिया गया है और कोई वो डेवलपमेंट नहीं है। किसी भी फील्ड पे ये सरकार कामयाब नहीं है, बल्कि आपने देखा विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग। नू में कई जाने गई तो होमगार्ड के सिपाही भी मरे और मुख्यमंत्री का बयान आया कि सोची समझी साजिश है। और हम कह रहे हैं भाई तुम जुडिशियल इंक्वायरी कराओ हाईकोर्ट के जज के द्वारा, किस क्यों साजिश है, किसने साजिश की, ये पता लगना चाहिए। हरियाणा की जनता जानना चाहती है, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है, ये तो मतलब या तो साजिश में सरकार स्वयं साजिश शामिल थी। क्यों नहीं साजिश का पर्दाफाश कर रही है, पर्दाफाश करना चाहिए, ये सामने ये है। और किसान के साथ आज शायद परमल की खरीद शुरू कर रहे हैं, जो मैंने सुना है किसान 80% जो है धान अपना बेच चुका है, मंडी में आ चुका है और प्रति जो क्विंटल जो है कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल उसका नुकसान हुआ है। वो तो बाद की बात है, किसी के खिलाफ टिप्पणी करने का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले जो महिला के साथ जो हुआ है, हमने शुरू से कहा अब तो चार्जशीट हो गया है मुख्यमंत्री, इसको स्वयं में इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो चीफ मिनिस्टर को तुरंत उससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए, सीरियस चार्जेज हैं उसके खिलाफ। मैं देखिए उन्हें कोई ऐसी बात अधिकार है सबका, और वो इतने दिन से दर दर ठोकरे खा रही है, घूम रही है, उसको अपना हक नहीं मिल रहा है और अब चार्जशीट होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी न्याय दें। नहीं, मैंने किसी का विरोध ना किया ना समर्थन किया। आप अपने आप कहेंगे, मेरे से किसी ने पूछा नहीं,
पूछेगा तो मैं अपना बताऊंगा। तो जिस तरह से अवैसी को तलाश, अब नहीं कोई बात नहीं है, उनकी जो है राजनीतिक जो है धरती अपनी तलाश रहे हैं, सबको अधिकार है अपने अपनी खोई हुई धरती को तलाश करने का, खुद सब उनकी धरती स्लिप हो चुकी है। अनुव्यवस्था जो है नाम की चीज़ ही नहीं है। अपराध में भी आज हरियाणा जो नंबर एक था 2014 में, आज अपराध में ऊपर वाली 2-3 प्रदेशों में इसका नंबर आता है, कई गुना अपराध बढ़ गए, और महिलाओं के खिलाफ खासतौर पे और दलितों के खिलाफ अपराध जो है बढ़ोतरी में है। ये जो घिनौना काम हुआ है वहाँ, वो दिखाता है कि ये सरकार विफल सरकार है। अब तक पूरे वो नहीं पकड़े गए, और इतना दिन हुआ जो वहाँ पे, बड़ी शर्म की बात है, किसका हौसला नहीं होना चाहिए सरकार में कोई, मतलब सरकार अगर मजबूत हो तो किसी का हौसला नहीं हो सकता ऐसे, तुरंत उसके ऊपर होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ा निंदनीय काम हुआ, इन्वेस्टमेंट करेगा बड़ी, जब तक तो उसको ये नहीं लगेगा तो तेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। 9 साल हो गए, 9 साल जो ये यहाँ कह रहे हैं ना मारुति खरकौदा में ला रही है इन्वेस्टमेंट, ये मैं आज से 12-13 साल पहले वहाँ जापान गया था, जो ओ सुजुकी है वहाँ के मालिक है मारुति के, उनसे मेरा ये तयशुदा एग्रीमेंट था कि भाई एक इन्वेस्टमेंट वो मानेसर में करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट रोहतक में करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट खरकौदा में करेंगे। 9 साल डिले करवा दिया, अब उसके लिए बहुत वाह लूटने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल पहले की बात है, 9 साल डिले हो गया। गवर्नमेंट की दलील यह कि 2016 में माहौल बिगड़ा था, हैं? गवर्नमेंट की दलील यह कि 2016 में प्रदेश का माहौल बिगड़ा था, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। 2014 में किसकी सरकार थी अक्टूबर का, जब माहौल बिगड़ा जब किसकी सरकार थी, हैं? प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट क्यों आज तक छुपाई दी गई है, क्यों नहीं उसको पब्लिक किया जाता है, जो उसका सीक्रेट पार्ट है क्यों नहीं किया जाता, उसे सवाल ये उठाए हैं प्रकाश सिंह ने, ये IAS चेयर पे सवाल उठाए उन्होंने, उन्हीं के बनाया हुआ कमीशन था, क्यों नहीं उठाते भाई, क्यों नहीं रिपोर्ट करते। ये करप्शन में डूबी सरकार है, स्टाम्प का होगा स्कैम, SIT बना देंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी कभी, शराब का स्कैम होगा SIT बना देंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी, यही प्रकाश सिंह की लगा दिया तो उसकी रिपोर्ट देते नहीं, उसके जो पार्ट है वो आज तक नहीं ना पब्लिक किया, साफ जाहिर है। सरकार से पूछो क्योंकि नहीं है, ठीक नहीं, ये माइनिंग का कितना बड़ा घोटाला है, शराब घोटाला, माइनिंग का घोटाला, स्टाम्प का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, कितने घोटाले पर घोटाला, चावल की खरीद का घोटाला, तो मांग की है मैंने हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराओ, कि जब उनका खुद का बयान है कि भाई ये सोची समझी साजिश है तो क्यों नहीं उसको वो करते, जबकि 8 दिन पहले वहाँ के CID के इंस्पेक्टर ने खबर कर दी थी, रेडियो वीडियो पे देखा मैंने, सरकार को कर दिया था भाई आपस में इतने व्हाट्सएप चल रहे हैं, अंदेशा है आपस में झगड़ा हो सकता है, कोई प्रिवेंटिव में ये नहीं लिया सरकार ने, ये इस मामले में जो नू में हुई घटना, जो जो बेचारे जिनकी जान भी गई, पूर्ण रूप से सरकार दोषी है क्योंकि उन्होंने कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लिए, इसी वास्ते जुडिशियल इंक्वायरी से ये सरकार भाग रही है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हो क्यों नहीं इंक्वायरी करते, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी कराते, जबकि सारी बात खुलेंगी, सब खबर कर दी थी, DC को SP को सब बता दिया था एक दिन पहले, DC बहुत सारे मुद्दे हैं और वो सिर्फ हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, उसके उसमें सुपरविजन में वही इसका अनफोल्ड कर सकता है, दूध का दूध पानी का पानी, हाँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए अगर उनका अगर इसमें हाथ है, वही तो बात है, वहाँ भी तो इंक्वायरी होगी ना, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्या कारण था भाई, क्यों हुआ, और ये तो
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।